नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी मेरे नए दर्शक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकारी जॉब्स रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट और अध्ययन सामग्री से संबंधित वीडियो वो मेरे चैनल पर पा सकते हैं, तो मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुलिस विभाग, जो छात्र पुलिस विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पुलिस विभाग में दरोगा के कुल 463 पद और कांस्टेबल के कुल 6647 पद और फीस मात्र 100 और 150 रुपये है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रदेश के निवासी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं छात्रों से एक मेरी यही सलाह है कि दोस्तों देखिए, यूपी के जो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर यूपी के हैं, तो उनसे मेरी यही सलाह है कि यूपी में कोई भी भर्ती जो शुरू होती है बिना कोर्ट जाए ही वो ख़त्म नहीं होती, साल डेढ़ साल लग जाते हैं और यहाँ तक होता है कि होते होते पता चलता है कि वो भर्ती ही रद्द हो जाती है। तो जब यूपी के बाहर के छात्र आपके यूपी में आके नौकरी कर सकते हैं तो आप यूपी के छात्र अपने आस पड़ोस के प्रदेशों में क्यों नहीं नौकरी कर सकते हैं? तो ये अपनी थोड़ी अवधारणा को आप लोग बदलिए कि केवल हमें यूपी में ही जॉब करनी है। जॉब तो कहीं भी जॉब, सरकारी जॉब है, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। केवल एक स्टेट तक सीमित रहेंगे तो उससे आपके मन में भी एक कुंठा होगी, एक निराशा होगी कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूपी के बाहर के छात्र यूपी में नौकरी कर सकते हैं तो आप भी वहाँ फाइट कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ये भर्ती निकली है। तो ये देखिए, ये जो भर्ती आपकी निकली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली है। और ये देखिए, इसकी ये पूरी डिटेल है कब से कब आपका आवेदन होगा। और देखिए, आपका जो ऑनलाइन अप्लाई जो शुरू होगा एप्लीकेशन, वो होगा आपका 28/4/2018 से। इसकी लास्ट डेट सबमिशन की 28/5/2018 और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस 30/5/2018। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये भर्ती है, और वहाँ पर हरियाणा में जो भर्तियाँ होती हैं अपने समय के अनुसार जल्दी ही भर्तियाँ हो जाती हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं होता है। यहाँ मैक्सिमली उम्मीद कर सकते हैं कि 6 से 7 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका कैटेगरी नंबर 1 में 5000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ठीक है, तो जिसमें जनरल की 2300 पद हैं और बाकी आप डिटेल आप देख ही सकते हैं। तो 5000 पोस्ट मेल के लिए हैं, उसके बाद 1147 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और 500 पोस्ट ऑफ इंडिया रिजर्व बटालियंस ऑफ हरियाणा स्टेट मेल कांस्टेबल के लिए हैं। तो ये तो कांस्टेबल की पोस्ट की बात हो गई। और उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है, आपका 10+2 पास होना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी या संस्कृत मैट्रिक लेवल में, तो हिंदी तो मैट्रिक लेवल में हर कोई पढ़ता है, हिंदी तो अनिवार्य विषय है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसकी अन्य योग्यताएं हैं। देखिए तो यहाँ पर ये जो हाइट और इसका जो मानक रखा गया है चेस्ट का, तो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है और 83 और आपका जब आप फुलाते हैं तो 87 होना चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी है मेल और फीमेल के लिए, आप डिटेल देख लेंगे। और इसकी जो अधिकृत वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसका जो देखिए पे स्केल है, आपकी जो पे मिलेगी 21,700 से 69,100 रुपीज़ है, तो जो बहुत अच्छी पे स्केल है। और इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए 400 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मेल के लिए हैं, 63 पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसकी देखिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, वही चीज़ें हैं, हिंदी संस्कृत मैट्रिक का तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो किसी के लिए ये कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका भी जो क्राइटेरिया है देखिए सेम है, उसी तरीके का है, आप पढ़ें डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी होगी। और इसकी जो एज है देखिए 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए इसकी और जो बात कर लेते हैं आपका फ़ीस के बारे में, देखिए ये फीस है कैटेगरी आप पोस्ट, देखिए कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए 100 रुपये है, कैटेगरी 4, 5 के लिए 150 रुपये है। तो हरियाणा के बाहर के जो छात्र हैं वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, तो वो कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए 100 रुपये और कैटेगरी 4, 5 के लिए 150 रुपये, यानी कांस्टेबल 100 और सब इंस्पेक्टर के लिए 150 रुपये है। और हरियाणा के अंदर के जो OBC SC ST हैं उनके लिए ये फीसें मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए जो आपकी दौड़ होगी फिजिकल,
जो मेल होगा वो ढाई ढाई किलोमीटर होगा 12 मिनट में, फीमेल का होगा 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और जो एक्स सर्विस मैन है 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो ये फिजिकल भी दिया हुआ है, तो इसकी डिटेल आप लोग वेबसाइट पर, अधिकृत वेबसाइट पर जाकर पूरी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आप लोग को दिखा दूँ कि आप शायद सोचेंगे कि हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट के लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये एक चीज़ है यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज एससी बीसीए बीसीबी एंड ईएसएम कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। तो इस लाइन से ये क्लियर है कि रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिलेगा। अगर ये नहीं होता तो केवल केवल यहाँ लिखा होता कि ओनली फॉर हरियाणा डोमिसाइल्स, हरियाणा के छात्रों के लिए ही यहाँ पर भर्ती है, तो ऐसा नहीं है। आप अप्लाई करिए और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, फाइट करेंगे, तो आपको श्योर नौकरी मिलेगी। तो जैसे यूपी में बाहर के छात्र, एमपी, बिहार, झारखंड के छात्र आकर यहाँ पर लेखपाल तक बन चुके हैं, कानूनगो बन चुके हैं, यूपी पीसीएस में अधिकारी बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं वहाँ पर फाइट कर सकते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों को ये फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी डिटेल देखना हो, तो ये आप पर्टिकुलर हरियाणा एसएससी की वेबसाइट भी जाइए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।